बेसिकली वैसे जो ये क्वेश्चन है 151 से आगे के जो क्वेश्चन हैं इनमें कुछ कैश मेमोरी वगैरह हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, कैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको उनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखो जैसे 151 में भी यहाँ पे भी कैसे ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसी तरह के कि किस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन होता है कैसे में, एड्रेस निकालनी, ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर भी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कैसे मेमोरी का पता होगा, यहाँ पे ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, ठीक है, ये भी सब कैसे में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है। तो आपको इन क्वेश्चंस को कैसे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के ही हैं, DSSB के भी, KVS उनके कॉम्बिनेशंस के ही हैं, ठीक है, और कैसे के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। तो आपको अगर कैसे मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप समझ लो आपके दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे, एक दो क्वेश्चन तो आने ही हैं इसमें से, ठीक है, PGT में दो भी आ सकते हैं, TGT में एक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, आप देखेंगे यहाँ पे करीब 10 क्वेश्चन है कैसे से रिलेटेड हमारे 151 से लेके 192 तक के जो आगे के CSE के क्वेश्चन हैं इनमें। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मैं एक ब्रीफ से, जैसे जल्दी भी हो जाए आपको राइटिंग, कुछ बच्चे कहते हैं समझने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक PDF बनाई है, ठीक है, इससे आपको क्लियरली जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाएंगी, अब एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो हम कैसे मेमोरी क्या होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको मेमोरी के बारे में, मेमोरी की हायरार्की के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे CSE में मेनली रजिस्टर्स के बारे में बात होती है कि रजिस्टर क्या है, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, तो रजिस्टर, CPU रजिस्टर के बारे में, जनरल पर्पज़ रजिस्टर के बारे में, उस तरह से बातें होती हैं। CPU जो है हमारे पास, CPU में तीन मेन पार्ट होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास ALU, CU और तीसरा जो है रजिस्टर, एक ALU होता है, एक हमारे पास CU होता है और एक हमारे पास रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो ये रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर जो है ये CPU की चिप पे ही होते हैं यहाँ पे, तो ये फास्टेस्ट होते हैं और सबसे स्मॉल साइज़ के भी होते हैं रजिस्टर, आप देखते हैं फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं। कुछ मेमोरी जो है अगर रजिस्टर्स को, CPU रजिस्टर को छोड़ दें, उनके अलावा आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट मेमोरी क्या है तो वो कैसी मेमोरी ही होती है हमारे पास, ये भी लेवल में होती है, कुछ तो इंडिपेंडेंट कोर जो होते हैं हमारे CPU के उन पे ही होती है, उनके सर्किट पे ही बनी होती है, कुछ जो है अलग से भी बनी होती है हमारे पास CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है। तो अगर हम कैसे की बात करते हैं तो कैसे जो है हमारे पास एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, अगर रजिस्टर के बाद जितनी भी मेमोरी है, CPU रजिस्टर को छोड़ दें क्योंकि वो तो CPU के पास ही है, उसके बाद जितनी मेमोरी सबसे हाई स्पीड की फास्टेस्ट जो है कैसे हो जाएगी, ठीक है, CPU रजिस्टर के पास से, रजिस्टर तो सबसे फास्ट ही हो जाएंगे तो इसके पास ही है। तो कैसे मेमोरी को हम कहते हैं, ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप है जो एक्ट करती है एक बफर की तरह, और बफर की तरह कहाँ पे, रैम और CPU के बीच में। इसमें भी लेवल होते हैं, कुछ लेवल जो हैं डायरेक्ट CPU पे ही होते हैं, ठीक है, CPU के कोर से ही अटैच होते हैं, कुछ जो है हमारे पास लेवल 2 लेवल 3 जैसे होते हैं वो हमारे पास सेलेबल भी होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास रैम और CPU के बीच में यूज करे जाते हैं। तो इट इज़ ए यूज टू, किस लिए यूज करी जाती है, ये स्पीड अप करने के लिए और सिंक्रोनाइज करने के लिए हाई स्पीड CPU के साथ। जैसे CPU है हाई स्पीड CPU, 2 GHz 4 GHz के CPU आते हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको डेटा चाहिए, जो डेटा हम बार बार यूज कर रहे हैं, रिपीटिवली यूज कर रहे हैं, वो डेटा सर्च करने में ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए, हम यही चाहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का मेन फोकस इसी पर रहता है कि
कि जो है मिनिमम एक्सेस टाइम हो और मैक्सिमम मेमोरी हो, लेकिन इसकी जो मेमोरी का साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होता, मेमोरी का साइज़ कम होता है। मेमोरी हायरार्की हम इसी तरह से करते हैं कि अगर साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो है एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होगा। भाई आपके पास एक रूम है, इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा एरिया है, तो अगर इसमें से कुछ चीज़ सर्च करनी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें सर्च करनी तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस टाइम है, ठीक है, वो हमारे पास लेस होगा, लेकिन जो साइज है वो हमारे पास वो भी लेस होगा। इसका एक्सिस टाइम, जैसे एक्सिस टाइम और साइज में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, साइज अगर हमारे पास लार्ज होगा तो एक्सिस टाइम भी लार्ज हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे पास कैसे मेमोरी है, इट इज़ इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा, जो हमारे पास सीपीयू बार बार जिस डेटा को रिक्वेस्ट करता है उसको जो है ये होल्ड करती है। और बेसिकली इसका काम होता है ऐसी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना जो सीपीयू को इमिडिएटली चाहिए, ठीक है। तो ये एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर इमिडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड। अब कैसे मेमोरी यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम, यानी एवरेज एक्सेस टाइम जो होता है, या हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम बोल देते हैं उसको शॉर्ट में EAT, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर साइज कम होगा तो एक्सेस टाइम भी कम होगा, साइज ज़्यादा होगा तो एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है कि साइज हमारा लार्ज होना चाहिए और एक्सेस टाइम जो है हमारे पास, यानी इफेक्टिव एक्सेस टाइम, वो लेस होना चाहिए, जितना मिनिमम हो उतना सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी हायरार्की यूज़ करते हैं। तो उस हायरार्की में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम CS पढ़ते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर कैसे, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास CPU है, CPU के अंदर हमारे पास ALU, CU और रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये प्राइमरी मेमोरी है यानी मेन मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है यानी जैसे हार्ड डिस्क, SSD वगैरह इस तरह की हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें डेटा सर्च करना होता है तो देखो, ये तो हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है ये टेम्परेरी मेमोरी भी होती है, और ये जो है सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है इसमें डेटा। अब बेसिकली अगर हमें यहाँ से डेटा सर्च करके जाना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, CPU और मेन मेमोरी की डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू कैसे मेमोरी ज़्यादा होती है और इसका साइज़ भी कैसे से ज़्यादा होता है, तो इसमें जो एक्सिस टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। देखो, मेमोरी हायरार्की से हम दोनों चीज़ें कर लेते हैं, यहाँ पे इसका साइज़ सबसे लार्ज होता है, ये लार्जेस्ट है, इसका साइज़ उससे कम हो जाएगा, इसका साइज़ उससे भी कम होगा, साइज़ कम होगा तो एक्सिस टाइम भी कम होगा, और ये इसके पास भी लगाई जाती है यहाँ पर। तो जो चीज़ें बार बार यूज हो रही हैं, बार बार रिपीटिवली हम यूज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे रखा, उसको हम जो है कैसे मेमोरी में रख लेते हैं, सेकेंडरी से पहले मेन में लेके आते हैं, मेन से फिर कैसे में रख लेते हैं। तो यहीं पे रिक्वेस्ट करेगा पहले CPU, यहीं पे चेक करेगा, अगर उसको यहीं पे मिल गई तो यहीं से एक्सेस कर लेगा, तो ये जो टाइम है वो बच जाएगा, एरिया जो है सर्चिंग का वो कम है, तो उससे भी हमारे पास टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो जो ये मेमोरी हायरार्की, इसके लेवल हम डिफाइन कर देते हैं। लेवल में क्या है, जैसे रजिस्टर है हमारे पास, ये सबसे पहले तो मेमोरी के लेवल होते हैं, फिर कैसे के भी लेवल होते हैं। अगर मेमोरी लेवल की बात करी जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है मेमोरी लेवल, तो रजिस्टर जो है पहले लेवल पे काम कर रहा है, दूसरे लेवल पे कैसे मेमोरी काम कर रही है, तीसरे लेवल पे हमारे पास मेन मेमोरी है, और फोर्थ लेवल पे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी काम करती है, ठीक है, इस तरह से ये काम कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी बेटा विवेक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है, सेकेंडरी मेमोरी का वो एरिया जो मेन मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है वो वर्चुअल मेमोरी होता है, वो सेकेंडरी का पार्ट है, वो अलग है। अब देखो, यहाँ पर लेवल वन जो होते हैं वो रजिस्टर होते हैं, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा इज स्टोर, ठीक है। लेवल वन यानी रजिस्टर जो है वो क्या है, एक टाइप की मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर होता है और एक्सेप्ट करता है इमीडिएट स्टोर इन द CPU, ये CPU के अंदर ही स्टोर होते हैं डायरेक्टली वहीं पे,
सीपीयू का पार्ट ही होता है रजिस्टर, और रजिस्टर बेसिकली जैसे एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, बफर रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, ये सारे रजिस्टर जो है उसके अंदर आते हैं लेवल वन के। लेवल टू में हमारे पास कैसे मेमोरी होती है, ये फास्टेस्ट मेमोरी है जो रजिस्टर के अलावा बाहर हम यूज़ करते हैं, सीपीयू के बाहर यूज होती हैं, तो उनमें ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, विच हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, वेयर द डेटा इज टेम्परेरी स्टोर फॉर फास्टर एक्सेस। ये ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि फास्टेस्ट मेमोरी बतानी है और उसमें रजिस्टर भी दिया हुआ है, कैसे भी दिया, तो हम रजिस्टर को चूज करेंगे, रजिस्टर बिल्कुल सीपीयू के पास ही, अगर रजिस्टर नहीं दिया बाकी सब मेमोरी में, फिर कैसे मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे पास नेक्स्ट है लेवल थ्री वाली मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में बेसिकली जो हम कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं, वो करंटली वर्किंग हो रही है, वो सब स्टोर होता है। इसका साइज़ भी सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है तो इसका डेटा उड़ जाता है, यानी टेम्परेरी वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एक्सटर्नल मेमोरी भी हो की तरह भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को, साइज़ में बड़ी होती है। तो यहाँ से हम लार्ज साइज की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेते हैं, और कैसे मेमोरी मेन मेमोरी से फास्टेस्ट एक्सेस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास कैसे, ये तो हो गए मेमोरी के लेवल। मेमोरी के लेवल हमने देखे, चार लेवल में हमने मेमोरी को डिवाइड किया है। लेवल वन पे रजिस्टर है, लेवल टू पे कैसे है, लेवल थ्री पे मेन मेमोरी, और लेवल फोर पे सेकेंडरी मेमोरी। अब कैसे जो है उसके भी लेवल हैं, ठीक है, उसमें भी लेवल आते हैं। लेवल की जो हायरार्की होती है वो उसकी भी पूछी जाती है, किस हायरार्की में कौन सी साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे छोटा लेवल होगा, कौन सा स्पीड के अकॉर्डिंग फास्टेस्ट होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके तीन लेवल डिफाइन किए गए हैं, कैसे के लेवल वन टू और थ्री। तो जो लेवल वन है उसको हम प्राइमरी कैसे बोलते हैं, लेवल टू को सेकेंडरी कैसे बोलते हैं। तो जो हमारे पास लेवल वन है वो बेसिकली सीपीयू का ही पार्ट होता है, सीपीयू चिप पे ही होता है वो भी, यानी लेवल वन को भी हम सीपीयू कोर के साथ ही यूज़ करते हैं, जैसे रजिस्टर को करते हैं। तो रजिस्टर से आगे सीपीयू कोर पे ही, सीपीयू की जो कोर चिप होती है उन पे ही रहता है ये भी, यूजुअली पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप इटसेल्फ, एंड इज़ बोथ द स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है, ठीक है। तो जब बिल्कुल सीपीयू के पास ही है और साइज़ भी सबसे कम है तो वो फास्ट भी होगा, ठीक है, और साइज़ कम होने की वजह से स्मॉलेस्ट भी है। तो इट्स साइज़ इज़ ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू 8 KB से 64 KB तक के साइज़ में आती है हमारे पास लेवल वन की, कैसे, ठीक है। तो लेवल वन सबसे फास्ट होता है और सबसे कम साइज़ का होता है। लेवल टू की अगर हम बात करते हैं, लेवल टू इससे आगे की हायरार्की में यूज होगा, मतलब अगर हमारे पास सीपीयू दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है, सीपीयू की कोर चिप पे यहीं पे हमने कैसे का लेवल वन लगा दिया, फिर लेवल टू काम करेगा, फिर लेवल थ्री काम करेगा, इस तरह से कैसे के लेवल काम करेंगे, ठीक है। ये कैसे मेमोरी है उसके लेवल है हमारे पास। तो बेसिकली लेवल टू जिसको हम सेकेंडरी कैसे बोलते हैं, ये भी एम्बेडेड हो सकता है, कुछ में एम्बेडेड होता है, किस कुछ में जो है कोर के साथ आता है, कुछ सीपीयू के साथ, प्रोसेसर के साथ, और कुछ में जो है ये शेयरेबल भी होता है अलग से, किसी में डेडिकेटेड रूप से भी यूज किया जाता है। और इट कैन बी सेपरेटेड चिप, ये एम्बेडेड भी हो सकता है, सेपरेटेड चिप भी हो सकती है, यानी को प्रोसेसर पे यूज की जा सकती है। जैसे हम यूज़ करते हैं को प्रोसेसर, आपने डीएमए में डीएमए कंट्रोलर पढ़ा होगा, एंड हैव ए हाई स्पीड अल्टरनेटिव सिस्टम बस कनेक्टेड टू द कैसे एंड सीपीयू, ठीक है। तो इनके साथ इस तरह से काम करता है। इसका जो साइज होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा लेवल वन वाले से, और स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी लेवल वन वाले। लेवल थ्री है वो उसके आगे है फिर, ठीक है, तो इसका साइज वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये जो है थोड़ी और स्लो हो जाएगी। लेकिन लेवल थ्री जो है वो जितने भी हमारे पास सीपीयू होते हैं उन सब में सेपरेट ही यूज़ करी जाती है, सेरेबल में यूज़ करी जाती है। फिर जितने भी कोर आप प्रोसेसर के यूज़ करते हैं सब कोर सेपरेटली, मतलब उसको शेयर करते हैं, क्योंकि वो सेपरेट होती है तो शेयर करते हैं। बाकी लेवल वन वाली तो हर कोर के साथ यूज़ करी जाती है, ठीक है।
तो L3 इज स्पेशलाइज्ड मेमोरी डेवलप्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ L1 एंड L2। तो L1 और L2 में अगर डेटा नहीं मिला तो हम L3 से सर्च करते हैं फिर। तो L1 एंड L2 कैन बी सिग्निफिकेंटली फास्टर देन L3, और L3 जो है यूजुअली डबल स्पीड कर देती है DRAM की। डायनेमिक रैम अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड को डबल करने के लिए होती है, साइज़ इसका ज़्यादा होगा। अगर आप मल्टी कोर प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो ईच कोर जो है, हर कोर मल्टी कोर, जैसा 8 कोर आप यूज़ करते हैं, क्वाड कोर यूज़ करते हैं, कोर 3, कोर इस तरह से यूज़ करते हैं, कोर 2 ड्यू वगैरह, आपने पता ही होगा ये CPU के कोर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर कोर का अलग L1 होगा डेडिकेटेड, किसी में L2 भी डेडिकेटेड है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एम्बेडेड होता है CPU में, ठीक है। यहाँ पे लिखा मे बी एम्बेडेड, L1 में लिखा था एम्बेडेड ही होगा, ठीक है, और सेपरेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे है जो हमारे पास ईच कोर है वो डेडिकेटेड L1 L2 भी रख सकती है, लेकिन L3 शेयर ही होगी, ये सेपरेट ही होगी। तो सेपरेट होगी तो उसको सारे कोर शेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ CPU कोर में जो है L1 ही केवल डेडिकेटेड होती है और L2 L3 जो है वो शेयरेबल होती है, इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। हाँ राहुल भाई बताओ क्या पूछना है तुमको, कोई बोल रहा हो तो बताओ। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू साइज़, साइज के रेस्पेक्ट में आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैशे मेमोरी। 3 लेवल हैं कैशे मेमोरी के, आपको बताया सबसे कम साइज L1 का, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद L2 का होगा, ये मीडियम साइज की होगी, ठीक है। उसके बाद L3 का होगा, ये इसमें लार्जेस्ट साइज़ की होगी, अगर कैसे मेमोरी की हम बात करते हैं, कैसे मेमोरी के ये लेवल हैं, ये साइज़ के अकॉर्डिंग होगी। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगी, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ये फास्टेस्ट होगा, ठीक है। इसकी स्पीड जो है मीडियम स्पीड पे काम करेगा ये, और इसकी स्पीड इन तीनों में स्लोवेस्ट होगी, ठीक है, ये स्पीड के अकॉर्डिंग है। तो अगर हमसे यहाँ पे पूछा है साइज़ के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, तो साइज़ के रेस्पेक्ट में रिलेशनशिप हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो सबसे कम साइज़ L1 का, L1 से बड़ा L2 है, L2 से बड़ा L3 है, तो इस तरह से हमारे पास रिलेशनशिप बनेगी। तो L1 L2 L3 B वाला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन है ये स्पीड के अकॉर्डिंग कहा है इसमें विद रेस्पेक्ट टू एक्सेसिंग स्पीड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैशे मेमोरी, ठीक है। तो जो स्पीड के अकॉर्डिंग बताना, स्पीड में देखो सबसे स्लो स्लो वाले को पहले लिखेंगे, L3 की स्पीड सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा L2 की होगी और सबसे ज़्यादा L1 की होगी। तो रिवर्स हो गया, स्पीड के अकॉर्डिंग इस तरह से हो गया, रिवर्स ऑर्डर बन गया, और जो है साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से था हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख लो किस तरह से बनेगा, हमारे पास L3 L2 और L1 इस स्पीड में ये काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। L3 की स्पीड जो है सबसे कम होगी, फिर L2 की होगी, फिर L1 की होगी, तो इसका भी आंसर B हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सही। कि जो है कैसे जो है इनहांसिंग द स्पीड, हाउएवर वर्चुअल मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी। हाँ ये पूजा ने बताया भी है, हमने डिस्कस भी करा कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है जो हम एज ए मेन मेमोरी यूज़ करते हैं वर्चुअल वाले। तो देखो जो ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन जो है कैसे से रिलेटेड इसी तरह के हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये भी हैं, और भी एक कैसे में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसमें कितने सारे 10-12 क्वेश्चन हैं कैसे से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो कैसे में ये डायरेक्ट एसोसिएट सेट एसोसिएट इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। ये कैसे के हमारे पास अलग कैटेगरी हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक है, किस तरह से हम डेटा इसमें एक्सेस करते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। इसमें स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, उनमें स्टेटमेंट में क्या काम करते हैं एसोसिएट सेट रिडायरेक्ट जो है एसोसिएट हो जाता है सेट एसोसिएट हो जाता है, तो ये कैसे काम करते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। और ये जो है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151 आप देखोगे, इस क्वेश्चन में
यही कहा है कि जो हमारे पास वो डायरेक्ट मैप होती है, डायरेक्ट है एसोसिएट से, सेट एसोसिएट से, तो डायरेक्ट मैपिंग में अब इनसे रिलेटेड जो है आपके पास एक क्लास और हम कर लेंगे, उसमें इन तीनों के बारे में, ये कैसे कैसे में काम करते हैं, एसोसिएट्स, एसोसिएट और डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है, तो वो किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आगे भी आएंगे कि कैश ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डायरेक्ट मैप यूज़ करते हो तो ईच ब्लॉक मेन मेमोरी का कितनी पॉसिबल कैसे लाइन रखेगा। तो डायरेक्ट वाले में एक जो ब्लॉक है उसके लिए एक डेडिकेटेड लाइन होती है, ठीक है, तो ओनली वन ही रखता है वो, एक ब्लॉक के लिए एक डेडिकेटेड लाइन का हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी जो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि ओप कोड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किससे, तो ओप कोड को हम निमोनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो जब वो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट होकर आते हैं तो वो निमोनिक्स की फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। इसका हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी, जैसे अभी कैसे के लेवल बताई हैं तो इसके बारे में भी आपको बता देंगे एक क्लास में आगे, क्योंकि वही 15 कम से कम 20-25 मिनट की क्लास लग जाएगी उसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 153 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी अगर हम देखें कि नंबर ऑफ लाइंस यूज्ड इन द डेटा बस रेफर टू एज द ऑफ द डेटा बस, ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स है कि आप जो डेटा बस है हमारे पास, डेटा बस में जो हमारे पास लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस, तो वो क्या होगी। जैसे मान लिया ये एक बस है, इसमें ये बस एक तरह से चैनल है जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे पास यहाँ पे डेटा हम सेंड कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये लाइन है, अलग अलग इस लाइन से डेटा होके जा रहा, तो जितनी ज़्यादा लाइन होंगी उतनी विड्थ बढ़ती जा रही है बस की, ठीक है। आप देखते हैं बस में जो है सीट की अगर लाइन बढ़ा देंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो ये विड्थ पर डिपेंड करती है हमारे पास किस तरह से उसकी विड्थ होती है, तो ये हमारे पास बी वाले ऑप्शन पर हो जाएगा, ठीक है। तो सही है आंसर पूजा तुम्हारे, जैसे पहले वाले का निमोनिक्स हो गया, इसका हमारे पास ओनली वन हो गया और इसका हमारे पास बर्थ हो गया। ऐसे ही 154 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करना एक दूसरे से, कौन सा पाथवे हम यूज़ करते हैं, तो हम बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जैसे डेटा बस होती है हमारे पास, कंट्रोल बस होती है, सिस्टम बस, इंटरनल बस, एड्रेस बस, पेरिफेरल के लिए हम एक्सपेंशन बस यूज़ करते हैं, इंटरनल बसें होती हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें बस होती हैं, उनके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि द नंबर ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी यूनिट फॉर 10 बिट साइज एड्रेस बस, ठीक है, तो नंबर ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी कितने होंगे, 10 बिट है, 10 बिट पे हम कितने एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, तो 2 की पावर बाइनरी में होते हैं सब, 2 की पावर 10 कर दो, 1024 जो है इतने हम क्रिएट कर सकते हैं, 1024 जो है यूनिट एड्रेसेबल मेमोरी की बन सकती है, तो इसका आंसर हमारे पास ए ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बिट में और एड्रेसेबल मेमोरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी एड्रेसेबल मेमोरी दे दी जाती है कि इतने यूनिट की, तो उसको पावर ऑफ 2 में आप लिख लोगे, पावर ऑफ 2 से जितनी भी पावर आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है 156 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम बस, SCSI स्टैंड फॉर, सिस्टम बस होती है हमारे पास, सिस्टम बस को हम इंटरनल बस भी बोलते हैं, तो इंटरनल बस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें SCSI, ये आपके टेस्ट में भी आया था, अभी जो CSA का टेस्ट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन था SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SCSI की फुल फॉर्म जो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होती है। कमेंट करके बच्चे बताओ कि SCSI बस जो होती है कौन कौन सी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है, ये प्रिंटर को और CPU को कनेक्ट करती है, या ये जो है हमारे पास मॉनिटर CPU को कनेक्ट करती है, या हार्ड डिस्क और CPU को कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है, कमेंट करके जल्दी से बताएं।
ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर स्कीम रिक्वायर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बाय द सीपीयू ऑफ द पेरिफेरल डिवाइस। जो हमारे पास डेटा ट्रांसफर स्कीम होती हैं वे तीन तरह की होती हैं, एक प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एक इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इंटरफेस और एक डायरेक्ट मेमोरी वाला होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी का हम यूज़ करते हैं DMA का, सही है भाई तुम्हारे आंसर। अच्छा, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA होता है। तो ये तीन होती हैं, इसमें जो है इसमें का कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग होनी बाय CPU के द्वारा। तो CPU के द्वारा कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग पेरिफेरल डिवाइस की होती है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में। इंटरप्ट ड्रिवन में इंटरप्ट इंटरफेस होता है वो मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इंटीमेट करा जाता है इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा CPU को, तब होता है। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो है बेसिकली एक को प्रोसेसर होता है DMA कंट्रोलर, उसके थ्रू हम करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो ये एड्रेसेबल मेमोरी है, जैसे अभी कैसे मेमोरी का आपको बताया, एक क्लास वो कर लेंगे, उससे रिलेटेड ही मेन मेमोरी के कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगे। 151वां क्वेश्चन था जैसे, और 158वां पूरा, अगर मान लिया आपने पढ़ा हुआ है तो आप बता ही देंगे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए पूरी डिटेल में हम वहाँ पर समझा देते हैं, उस वीडियो में समझा देंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये कहा मेन मेमोरी जो है, इसमें मेन मेमोरी के बारे में कहा, एड्रेसेबल यूनिट के बारे में पूछा है कि जो हमारे पास मेन मेमोरी है, द यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ द नंबर ऑफ बाइट रीड आउट और रिटन इनटू मेमोरी एट ए टाइम, ठीक है। वैसे आपको इतनी वो होगी, जनरल पढ़ा हुआ तो होगा ही सबने लगभग। तो आप बताओ भाई, मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी में अगर हम बात करते हैं कितनी यूनिट पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो रीड और राइट दोनों को करता है, खाली रीड को काउंट करता है और या खाली राइट को काउंट करेगा। तो अगर हम डेटा ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा, तो चाहे वो रीड हो रहा हो, चाहे राइट हो रहा हो, चाहे इन हो रहा हो, चाहे आउट हो रहा हो, इनपुट आउटपुट सब में ही तो काम हो रहा है, किसी एक में तो हो नहीं रहा कि भाई इन वाला ही हम करेंगे या आउट वाला ही करेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि जो मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इनपुट को काउंट करता है, आउटपुट को काउंट करता है, या दोनों को काउंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही चीज़ें होंगी, जो आप जितनी बाइट रीड करी आपने, रीड आउट हुई या रिटन इनटू हुई है, रीड करी या राइट करी, दोनों हो जाएंगे। तो ये वाला तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। दूसरे वाला स्टेटमेंट है, इसमें कहा द यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र की यूनिट है, नीड नॉट इक्वल ए वर्ड और एन एड्रेसेबल यूनिट, ठीक है। यानी जब हम यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो वो यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र आप उसमें ही रखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बिट में कितने बिट ट्रांसफ़र करी या कितने बाइट ट्रांसफ़र करी। तो जो हमारे पास वर्ड होगा, वर्ड की लेंथ हम जिस यूनिट में डिफ़ाइन कर रहे, या एड्रेस की लेंथ जिसमें डिफ़ाइन कर रहे, उसमें ही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि हमारे पास मेमोरी इस तरह से हम लिख देते हैं कि 5M × 8, ठीक है, या हमारे पास इस तरह से लिख दी कि 10M × 16, इस तरह से आप देखते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड के बारे में ही बताता है, वर्ड लेंथ। एक इनमें मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पीछे भी वैसे आप देखेंगे डिस्कस किए हुए हैं पीछे के एग्जांपल में, तो आपको उनके बारे में भी टैग फील्ड होता है, एड्रेस फील्ड होता है, वर्ड फील्ड होता है, ठीक है, वर्ड की लेंथ होती है कितनी होती है, तो ये सारी मेमोरी से रिलेटेड ही होती हैं, कैसे में भी यूज होती हैं। तो ये भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही पता होना चाहिए कि वर्ड की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम जो है बेसिकली ट्रांसफ़र की यूनिट रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अलग हो, नीड नॉट इक्वल टू वर्ड, तो ये नॉट लिखा हुआ है इसने, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपके पास, वो उसके इक्वल ही होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र यूनिट बनाते हैं कि भाई 8 का है तो 8 वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं उसका। तो ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। 159 वाला जो है उसमें हो जाएगा हमारे पास कि इसमें भी देना ही ट्रू फॉल्स, SCSI का ही पूछा है इसमें, कि SCSI जैसे अभी पूछा था आपसे कि इट सेल्फ ए टाइप ऑफ बस होती है, ये अपने आप में एक बस होती है, ठीक है। हाँ बेटा, ये अपडेटेड बुक में है ये सारे क्वेश्चन।
एस सी एस आई इज इट्स सेल्फ ए टाइप ऑफ बस यूज टू सपोर्ट लोकल डिस्क ड्राइव एंड अदर पेरिफेरल। ठीक है, जो नया वर्जन है बुक का उसमें ये सब क्वेश्चंस हैं, जो ये बेसिकली टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब दिए हुए हैं। पुराने वाली बुक में इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए थे, वो नेट वगैरह के लिए भी थी, तो नेट वगैरह के भी थे उसमें। तो यहाँ पर जो है ये दिए हुए हैं हमारे जो है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है। एक हमारे पास जो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है तो उसके लिए जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो एस सी एस आई होती है ये वाली जो है पेरिफेरल डिवाइस जब कनेक्ट करते हैं, इनको पेरिफेरल बसेस भी बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस से हमने सीपीयू को कनेक्ट नहीं करना, डिक्स को कनेक्ट करना, तो डिक्स से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी एस सी एस आई का यूज होता है। तो ये मत समझ लेना कि उसी में यूज होगा, ठीक है। अगर आप जो है डिक्स को डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आईएसए का यूज होगा, ठीक है, अगर डिक्स को सीपीयू से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पेरिफेरल से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमारे पास सिस्टम बस का ही यूज होता है, तो ये सिस्टम बस ही है तो उस सिस्टम बस का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये पेरिफेरल बसेस होती हैं, एक्सपेंशन बस की तरह वहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो पेरिफेरल देखो, आप मॉनिटर भी देखेंगे, मॉनिटर भी क्या है, पेरिफेरल की तरह यूज़ करा जाएगा। लेकिन देखो कभी कभी ये भी आ जाता है कि पेरिफेरल डिवाइस में मॉनिटर भी दे दिया, प्रिंटर भी दे दिया, ये भी दो कैटेगरी हैं वहाँ पर। पेरिफेरल डिवाइस जो है एक्सटर्नल पार्ट भी होती हैं आपके उसकी, लेकिन जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप पे तो मॉनिटर साथ में यूज़ करेंगे आप, अलग से नहीं। और मॉनिटर के को जो है आप डायरेक्टली यूज भी बिना उसके एक सिस्टम का भी यूज नहीं है, क्या यूज होगा जब आउटपुट स्क्रीन ही नहीं मिलेगी, आपको देख नहीं पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को भी पेरिफेरल डिवाइस किया जाता है जो फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए सिस्टम में यूज करे जाते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के बगैर भी आप सिस्टम की सारी चीज़ें यूज़ कर लोगे, ठीक है। आपके पास जो है लगाओगे तो फीचर ऐड ऑन हो जाएंगे सिस्टम के। आप यूज़ करोगे, मान लिया आपको यूज़ करना है मोडम का यूज़ करना, राउटर का यूज़ करना, ऐसी सारी डिवाइसेस जो हैं पेरिफेरल में ही आएंगी। वहाँ पे एक्स्ट्रा आप यूज़ करते हैं, टीवी ट्यूनर कार्ड हो गया, उस तरह के आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है कि सीरियल पोर्ट जो है कुड बी यूज टू सपोर्ट ए प्रिंटर और स्कैनर। तो प्रिंटर और स्कैनर पे आप कमांड देते हैं तो वो सीरियल में ही काम करती हैं, पैरेलल ही नहीं निकालेंगे। मतलब 10 सिस्टम से या आपने 10 पेज की कमांड दे दी है कि 10 अलग अलग फाइल की कमांड दे दी एक साथ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ निकलने होंगे। पहले पहले फाइल का एक पेज, फिर दूसरे फाइल का, फिर तीसरे फाइल का, ऐसा तो होगा नहीं। पहले एक फाइल है तो उसके सारे पेज निकलेंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। तो प्रिंटर और स्कैनर में भी ऐसे ही होता है, स्कैनिंग जब हम करते हैं तो एक एक करके ही होता है, तो ये सीरियल में ही काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हैं दोनों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गए तो सी वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास यूज़ करेंगे हम बेसिकली 160 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा विद रेस्पेक्ट टू साइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैश मेमोरी। तो ये साइज के रेस्पेक्ट में आपको बताया ही था, L1, L2 और L3 ये आंसर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास बी हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन जो है फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 161 वाला आपका टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, ये आपको डिस्कस टेस्ट में भी कराई दिया था।